वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का गए और जिस संत देखिए वो इलाका रजा का गए। एक साहब है, उन्होंने सवाल किया है कि क्या हज करने पैदल जाना जायज़ है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग साहिब इस्तेआत हैं, ज़ादो राहिला पे क़ादिर हैं, उन पर हज करना फ़र्ज है। जब शरायती हज पा लिए गए तो ताखीर करना गुनाह है। जितनी जल्द आदमी को मुमकिन हो सके फरीदे से दोष हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अब अगर वो सवार पे कादिर होने के बाद भी पैदल हज करने के लिए जाता है, ख्वा कितने ही दूर से क्यों ना आए, कोई फिक्र में की किताब में ऐसा मसला कहीं मस्कूर नहीं है कि गुनहगार होगा और उसका हज फर्ज अदा ना होगा। उसका बेशक हज फर्ज अदा हो जाएगा अगर वो पैदल जाता है तो, अगर उसके नियत में इखलास है तो इंशाअल्लाह सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन ने मदीना तैयबा से हज व ज़ियारत के लिए 25 बार सफ़र किया, जबकि उनके साथ बड़ी कीमती उठनियाँ मौजूद होती थीं। ग़ुलाम अर्ज़ करते थे, हुज़ूर सवार हो जाइए, मगर फिर भी आप सवार नहीं होते थे, हालांकि पहले मुबारक ज़ख़्मी हो जाते थे, वर्म हो जाते थे। तारीख में मिलता है कि एक बार सैयदना इमाम हसन हज करने के लिए पैदल रवाना हुए, उनके साथ उमदा किस्म की उठनियाँ भी थीं। ग़ुलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सवार हो जाए मगर आप पैदल गए, यहाँ तक कि पहले मुबारक में वर्म हो गया, ज़ख्मी हो गया। तो ग़ुलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर थोड़ी देर तक कि आप सवार होकर के चलें, तो फरमाया खुदा के घर सवार होकर जाने से मुझे शर्म आती है। और उसके बाद फिर वो कहा कि घबराओ नहीं, आइंदा मंजिल पर एक हबशी मिलेगा, उसके पास तेल होगा, कीमत देकर वो तेल ख़रीद लेना, वो मेरे पाँव के वर्म के लिए फ़ायदेमंद होगा। जब उस मंजिल पे पहुँचे तो आपने अपने ग़ुलाम से फरमाया, देखो वो हबशी है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, जाके कीमत अदा करके उससे तेल ख़रीद लो। जब आपका ग़ुलाम उस हबशी के पास पहुँचा और कहा कि भाई ये तेल मुझे दे दो और उसे कीमत ले लो, कहा क्या करोगे, कहा मेरे आका ने मांगा है, कहा कौन, तो कहा इमाम हसन, अब मैं तो उनका ख़ानदान का ग़ुलाम हूँ भाई, मुझे उनके पास ले चलो और मैं ये तेल ऐसे ही पेश कर दूँगा, मुझे कीमत नहीं चाहिए। वो ग़ुलाम गया और हजरत की बारगाह में उसको पेश किया और कहा, हुज़ूर मैं आपके ग़ुलाम हूँ, पहले बैत का शहदाई हूँ, मुझे कीमत नहीं चाहिए, हाँ मेरी बीवी दर्द ज़ेह में मुबतला है, आप दुआ फरमा दीजिए कि भाई बच्चा सही सलामत पैदा हो जाए। आपने फौरन दुआ फरमाया और कहा वापस घर जाओ, तुम्हारा बच्चा सही सलामत पैदा होगा और वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला भी होगा। हजरत जुनेद हजरत इब्राहिम बिन अदम बल्खी का वाकया है कि वो हज व ज़ियारत के लिए चले थे, वो पैदल गए थे और हर दो कदम पर वो दूरी कर नमाज अदा करते थे और इस तरह हज करने के लिए गए। इसलिए किसी भी फ़िक़्ही किताब में ये बात मशहूर नहीं है कि जो हज व ज़ियारत पर इस्तेआत रखता हो फिर भी पैदल जाए तो उसका हज फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब।